नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस सीरीज का 151 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। इससे पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखा है 10 क्लास तो जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देखिए। इसके बाद आप जरूर महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी पहले से अच्छी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 151 नंबर देखिए। स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? विकल्प है गीजर, ग्राइंडर, टीवी रिसीवर या एयर कंडीशनर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 151 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीवी रिसीवर यानी टेलीविजन, टीवी रिसीवर। अब अगला प्रश्न देखिए 152 नंबर। इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही विकल्प कौन सा है। तो 152 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, ठीक है, ये कार्य है आपका इन्वर्टर का। और एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में डायोड बदलता है या कन्वर्टर बदलता है, कन्वर्टर बदलता है या कम्यूटेटर बदलता है, ठीक है। तो ये सब एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस है। एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस कौन कौन से हैं? तो डायोड, कन्वर्टर और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कहाँ लगता है, किस मशीन में लगा होता है? तो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 153 नंबर। इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज का उद्देश्य क्या है? विकल्प है इनपुट एसी को स्टेप अप या इनपुट एसी को स्टेप डाउन करना, या एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, या एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। एक 153 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पलीफायर को एसी स्टेप अप करें। एम्पलीफायर से क्या करते हैं, एसी को स्टेप अप करते हैं। एम्पलीफायर का काम ही होता है कि वोल्टेज और करंट को क्या करता है, स्टेप अप करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। हिंदी में प्रवर्धन करते हैं, यानी एम्पलीफायर बढ़ाता है, बढ़ाने का ही काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 154 नंबर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विकल्प है ऑटो ट्रांसफार्मर, स्थैतिक ट्रांसफार्मर, रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर या फेराइट कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने जने नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जुड़िए, जैसे मुकेश कुमार जी और मुकेश विश्वकर्मा जी, राम बाबू, अभय राज, आकाश दीप पुष्कर, नीलेश यादव जी, शुभम यादव जी, अभिषेक विश्वकर्मा जी, अभिषेक चौरसिया जी और सूरज प्रजापति जी, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास से जुड़िए।
154 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 154 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं। आप लोग देखे होंगे ऑटो स्टेबलाइजर, देखे होंगे स्टेबलाइजर में क्या करते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं। तो वो संभव किससे होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर से ही संभव होगा। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि एक ही क्वाइल होती है, उसी में आधा भाग प्राइमरी होती है और आधा सेकेंडरी होती है, जो टेप करके बनाया गया होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 155 नंबर। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विकल्प है स्वप्रेरण सिद्धांत, विभव पात सिद्धांत, या फेरो अनुनादी सिद्धांत, या अन्योन प्रेरण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुकेश जी जल्दी से उत्तर दीजिए, राम बाबू जी आप भी उत्तर दीजिए। सभाजीत गिरी जी आप भी उत्तर दीजिए। तो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर फेरो अनुनादी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब कि 155 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेरो अनुनादित 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 सिद्धांत। ठीक, अनुनादित का मतलब होता है रिजोनेंस, रिजोनेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 156 नंबर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विकल्प है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक सौ छप्पन नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोरोडियल टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 157 नंबर। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? चलिए विकल्प देख लेते हैं, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, या मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, या नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेप स्टेबलाइजर। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टेपिंग के लिए ऐसे बनाया गया है ना, आप देख रहे होंगे ऐसे टेपिंग के लिए बनाया गया है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल टेप ले रहे हैं कि नहीं, टेपिंग ले रहे हैं कि नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 157 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 158 नंबर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प है अमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर, या मल्टीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 158 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मल्टीमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है, यानी मल्टीमीटर के द्वारा धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध मापते हैं और बहुत सारी चीज मापते हैं, जिसको हम जैसे कि आपको डायोड की कंटिन्यूटी मापना है, डायोड सही है कि नहीं है उसको देखना है, तो यहाँ से मेजर कर सकते हैं आप, कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 159 नंबर। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? विकल्प है दोलन और दिष्टकारी चरण, दोलक और एम्पलीफायर चरण, या एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत चरण, या दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 159 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
दोलन एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 160 नंबर, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज कहाँ किया जाता है? चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं, कंप्यूटर में या टीवी रिसीवर में या डीवीडी प्लेयर में या सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करते हैं तो हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो 160 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 161 नंबर, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? विकल्प है यूपीएस के VA रेटिंग बढ़ाएं, यानी वोल्टेज एम्पियर रेटिंग बढ़ाएं, या बैटरी की AH एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाएं, या बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता घटाएं, या बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बनाए रखें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 161 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसी भी यूपीएस का अगर आपको बैकअप बढ़ाना है तो भाई बैटरी की जो एम्पियर आवर क्षमता होती है ना, एएच क्षमता जो होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा, भाई इन्वर्टर थोड़े बना के देगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 162 नंबर, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? यानी सेकेंडरी सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? विकल्प है ट्रिकल चार्ज प्रदान करके, या फ्रेशनिंग चार्ज प्रदान करके, या नियत धारा चार्जिंग प्रदान करके, या नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, यानी सल्फेशन दोष की क्रिया को कैसे हम समाप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 162 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ट्रिकल चार्जिंग करके, ट्रिकल चार्ज कर, ट्रिकल चार्ज का मतलब धीरे धीरे चार्ज करके आप उसके सल्फेशन की क्रिया को आप खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 163 नंबर, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? विकल्प है बैटरी यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट, या नियंत्रक यूनिट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो 163 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी यूनिट। यूपीएस में कोई भी खराबी होती है फिर भी क्या करती है बैटरी, उसको वोल्टेज प्रदान करती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 164 नंबर, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प है बकलिंग, ध्रुवीकरण, स्थानीय क्रिया, या अमलगम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सारे प्रश्न बैटरी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 165 नंबर, यूपीएस में कम बैक अप होने का कारण क्या है? ऑप्शन है इन्वर्टर सर्किट में दोष, या बैटरी लघुपतित है, या मेन अर्थिंग उचित नहीं है, या बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो 165 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रही है, कम बैकअप दे रही है। अगर बैकअप बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। अब तक हमने 165 प्रश्न हल कर चुके हैं। मिनी पीडीएफ के जितनी भी प्रश्न है सबको एक एक करके धराशायी कर दिया जाएगा, एक एक करके सबको हल कर लिया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, पढ़े, तो आपको अच्छे नंबर आने ही आने हैं। तो चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।